नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो पर। आज हम बात करेंगे अपने हाथों पे बनने वाले आधे चांद के कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में। हस्तरेखा विज्ञान में लोगों के हाथों की लकीरों को देखकर उसके स्वभाव को जाना जाता है। तो जब दोनों हाथों को मिलाकर आधा चांद बने तो उसके कुछ गुप्त रहस्य होते हैं, क्या कुछ उसके नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, ये सब आज हम विस्तार से जानते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। अगर दोनों हथेलियों को मिलाने से आधा चांद बने तो ये कई मामलों में शुभ माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यह एक शुभ चिन्ह है। इसका मतलब होता है कि जातक बहुत ही आकर्षक, सुंदर, अच्छे स्वभाव का इंसान है। अगर बुध पर्वत के नीचे से रेखा शुरू होकर गुरु और शनि पर्वत के बीच तक जाती है तो माना जाता है उसके बिल्कुल 100% रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जिसके हाथ में 100% का रिजल्ट होता है वो व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, उसको सुंदर वाइफ हस्बैंड मिलता है। और एक अलग से निशानी ये मानी जाती है कि उसके चिन्ह पे तिल होता है। ऐसे इंसान जिसके हाथ में चांद बनता है वो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखता है, दूसरों को कभी नेगेटिव वैसे वो लेता ही नहीं है। चाहे कोई नेगेटिव बंदा उसके सामने हो, उसकी सोच कैसी भी हो, लेकिन वो इंसान उसको पॉजिटिव ही जज करेगा, नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं होती। ये बिल्कुल साफ दिल के नेक इंसान होते हैं और ये अपनी भावनाओं को कभी दूसरों के सामने नहीं प्रस्तुत करते। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके वजह से दूसरों को दुख हो, तो ये हमेशा अपने भावनाओं को अंदर ही छुपा के रखते हैं, क्योंकि ये सामने वाले इंसान से बहुत प्यार करते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ये बहुत प्यार करेंगे और अपने प्यार में वफादार भी होते हैं, कभी उनको धोखा नहीं देंगे। तो जिसके हाथ में 100% रिजल्ट होता है तो आप समझ सकते हैं वो इंसान बहुत लक्की है। जिसके दोनों हाथों को मिलाकर आधा चांद बने वो इंसान बहुत ही शार्प माइंडेड पर्सन होता है, उसका दिमाग बहुत तेज होता है। चाहे उससे कोई छोटे 2-3 साल का हो तब की भी बात पूछ लो ना, वो बात भी बता देगा वो इंसान, तो इतना दिमाग तेज होता है उसके अंदर। और वो हमेशा बड़ी सोच रखता है कि वो कुछ बड़ा बने, छोटी सोच उसकी कभी हो नहीं सकती। अगर हम बात करें उसकी दोस्ती की तो वो अपनी दोस्ती को भी बहुत दिल से निभाता है, कभी बेईमानी नहीं करता अपनी दोस्ती में, बहुत ईमानदार होता है। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि हर एक इंसान के हाथ में 100% रिजल्ट नहीं दिखते, पूरा आधा चांद नहीं बना होता, कईयों के हाथ में ये आधा चांद भी होता है तो, और कईयों के हाथ में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती हैं। तो जिसके हाथ में ये स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, वो इंसान मतलब उस इंसान को शांति बहुत पसंद होती है, बिल्कुल शांत रहना पसंद करता है और अपने आसपास बिल्कुल नहीं जाता कि भीड़ भड़ाका हो, बिल्कुल लोग एक प्रकार से उसकी नेगेटिविटी ये होती है कि उसको लोग अच्छे नहीं लगते, वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है और वो अकेला काम करना चाहता है। अगर कोई स्टाफ में काम कर रहा है तो वो किसी से ज़्यादा बोलता नहीं है, अपने काम से काम रखता है वो। लेकिन हाँ, उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो जो भी काम करता है लोग उसको सराहते हैं कि हाँ इसने कितना अच्छा काम किया है। तो ये मत समझना कि वो अनलक्की हैं या उनमें कोई टैलेंट नहीं है, वे अपना अलग से टैलेंट रखते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।